संवाददाता आरव सिंह हमारे साथ में। आरव, देखिए जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के लिए कार्रवाई चल रही है, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और आज मुठभेड़ की खबर सामने आई है नारायणपुर से, क्या जानकारी आपके पास आरव? जी, इसमें अगर देखा जाए तो कल से ही जब टीमें यहाँ पर चार जिलों की संयुक्त टीमें निकली थी और डीआरजी की संयुक्त टीमों के साथ में जब नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमा पर जब अंतर जिला नक्सल विरोध अभियान के तहत जब वहाँ पे अगर सर्चिंग की गई तो सर्चिंग में कल पूरे दिन रुक रुक के गोलीबारी हुई और गोलीबारी के बाद जब कल शाम को अगर देखा जाए तो सर्चिंग के दौरान 7 नक्सली मारे गए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक कंपनी नंबर 8 का डीवीसीएम कंपनी कमांडर शामिल था जो 8 लाख का इनामी है और इसकी जानकारी नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने दी है और पूरी जानकारी के लिए शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां के आईजीपी सुंदरराज के तत्वावधान में रखा जाएगा और उसी में पूरी जानकारी दी जाएगी। एक और देखा जाए तो नक्सल अभियान जहां पर कहीं आरव जो जवान घायल हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि खबर ये भी एयरलिफ्ट किया गया है उन्हें। जी, 3 जो जवान घायल हुए हैं वो डीआरजी के जवान हैं और तीनों को यहाँ पर अभी नारायणपुर के हॉस्पिटल में हैं और बताया जा रहा है कि इनको रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। यही ठीक है आरव, और आगे पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है क्योंकि लगातार सर्चिंग अभियान तो जारी है। जी, यहाँ पर चार जिलों की संयुक्त टीम की पुलिस के तत्वावधान में अभी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर की सीमा पे सर्चिंग चालू है और भी जो नक्सली वहां से भाग गए हैं उन नक्सलियों का पीछा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो डेरा डाल के रहेंगे तो कहीं ना कहीं नक्सल एक जो छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल अभियान है उसमें सफलता हासिल होगी तो कई नक्सलियों के पीछा करते हुए अभी भी वहां पर सर्चिंग चालू है, चार जिलों की टीम है अभी। जी ठीक है आरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा कर।